महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मछुआरे उस समय अचंभित रह गए जब उनके जाल में इतनी विशालकाय मछली फंस गई कि उन्हें मछली को उठाने के लिए क्रेन मंगवानी पड़ी। महाराष्ट्र में मछुआरे के जाल में फंसी करीब 250 टन की विशाल मछलियां। रत्नागिरी के मछुआरे के जाल में 60 टन की चार बड़ी मछलियां फंसी। कल मिरकरवाड़ा बीच पर भीमकाय मछलियों को उठाने के लिए क्रेन लगाना पड़ा। बाजार में इन मछलियों की कीमत करीब 80,000 रुपए है। आमतौर पर यहाँ के मछुआरों के जाल में रोजाना 50 से 60 किलो की मछलियां फंसती हैं। इन विशालकाय मछलियों को निकालने के लिए मछुआरों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मछुआरे रऊफ रफीक ने जब समंदर में अपना जाल डाला तो उन्हें सपने में ये उम्मीद नहीं थी कि उनके जाल में ऐसी मछलियां फंस जाएंगी जिन्हें निकालना ही मुश्किल होगा। साखरकर के जाल में चार ऐसी मछलियां फंस गई जिनका वजन करीब 250 टन था। मछली को बाहर निकालने के लिए खासकर को क्रेन का सहारा लेना पड़ा। इन विशालकाय मछलियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इन मछलियों से साखरकर को करीब 80,000 रुपए मिलने का अनुमान है।